अब मैं जाऊंगी किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स आज है खाने में, मतलब मैंने बनाई है कढ़ाई पनीर और ये बनी है माही की डिमांड पर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स जैसा कि आप सबने देखा था, हम लोग थे ट्रिप पे, आने के बाद वही है, कई दिनों से था घर बंद। बहुत ज़्यादा जब बंद होता है घर तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग वस्टिंग हो जाती है, धूल मिट्टी इतनी हो जाती है, डस्टिंग करते करते ही परेशान हो जाओ। तो उसके बाद जैसे ही जिस दिन हम आए हैं वापस, कुछ घंटे बाद से ना प्रेसी और माही को था बहुत ज़्यादा तेज फीवर, और बस वही दो से मतलब तीन दिन हो गए हैं। आज है मतलब 3 जून है आज, तो 3 दिन हो चुके हैं दोनों बच्चों को फीवर में। तो पहले तो वही होता है ना, हम इंडियन फैमिली में एक दिन तो अपना लेते ही हैं अपनी, अब खुद डॉक्टर बन के ट्राई करते हैं, और जब नहीं आराम होता है तो फिर डॉक्टर के। वैसे ही हमने एक दिन नहीं दिखाया, फिर नेक्स्ट डे उन्हें दिखाया, तो मतलब कल मैंने दिखाया था, तो अभी दोनों को थोड़ा आराम है, वरना बहुत तेज़ फीवर था। मतलब ओवरनाइट मैं दोनों की पट्टियाँ करती रही हूँ ठंडे पानी की। तो फिलहाल है दोनों को आराम। तो माहिन का तो आप लोगों को जानते ही हो, उसको तो 2 मिनट में चटपटा खाने का मन होता है, और डॉक्टर ने थोड़ी क्लास लगा दी खाने पीने के लिए कि हेल्दी खाना चाहिए ये वो, तो उसको एकदम से हो गया मुझे तो हेल्दी खाना है और पनीर खाना है। तो अभी उसने बनवाया है लंच में उससे कढ़ाई पनीर, वो मैं बना चुकी हूँ। और बस पूजा वगैरह से फ्री हो गई थी सबसे, तो मैंने कहा मतलब आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा गया हमारा वैकेशन ट्रिप, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतने मज़े किए हमने। और वही है मायके की तो थोड़ी बात भी अलग हो जाती है, और ऊपर से ट्रिप और ट्रिप के ऊपर ट्रिप अंदर से निकल के आए। तो एक ट्रिप में हमारे कई ट्रिप हो गए क्योंकि हमने कई जगह वहाँ पे एक्सप्लोर की, और मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अच्छा कम शब्दों में कहा जाए तो मेमोरेबल ट्रिप रहा, बहुत अच्छा रहा सारा कुछ। तो फ्रेंड्स अब का सीन ये है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा सारा हो गया है, मतलब बना चुकी थी, सब लोगों ने कर भी लिया है, मुझे छोड़ के मैंने अभी नहीं किया है कि मुझे कम भूख थी। जब हमारा सोने का रूटीन डिस्टर्ब होता है ना, तो फिर हमें भूख भी नहीं लगती है, और बच्चों की तबीयत ख़राब की वजह से तो थोड़ा ऐसे ही चल रहा था मेरा रूटीन उल्टा सीधा। तो अभी का ये है, लंच की मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, और बस अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि अब टाइम हो गया है 12:30, तो मैं कंफ्यूज हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करूँ या लंच करूँ, तो फिलहाल तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है, तो आप लोगों के साथ गप्पे ही मार लेती हूँ, जो मुझे समझ आएगा लंच करना है या डिनर, सॉरी ज़्यादा ही आगे पहुँच के लंच करना है या ब्रेकफास्ट, तो मैं कर लूँगी। तो बस बच्चे हैं अभी फ़िलहाल, उनको ब्रेकफास्ट करा के मैंने दवाई दे दी थी, तो सब सो गए, मतलब सो गए हैं, तो लंच के टाइम मैं उन्हें उठाऊंगी, और क्योंकि फिर उन्हें लंच कराने के बाद फिर से दवाई देनी है, इसलिए तो चलिए मैंने डिसाइड कर लिया है मैं अब सीधा लंच करूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने किया है वाना का 6 मंथ फोटोशूट, वाना लुढ़क गई क्योंकि फ्रेंड्स
वैसे तो ना वाना 6 मंथ की 10 हो गई थी तो इस वजह से ये देखिए मैंने ये टमाटोज ना हटा के यहाँ पे रख दिए हैं, तो वो अब ढूंढ रही है। वानु मिल गए, ये लो छुटकू टमाटो खा लो अब। तो इस वजह से ना हम कर नहीं पाए थे। और अभी सडनली मुझे याद आया, ये देख रहे हो ना आप, ये है क्लिप्स वाना के हेयर्स में बनाना क्लिप्स लगे हुए हैं। तो आज मुझे याद आया कुछ इसके साथ ना अभी रिसेंटली ऐसा होने वाला है, फिर ये लगाने लायक नहीं रहेगी तो ये आप गैस करके बताएं मुझे कि मतलब क्यों ये नहीं लगा पाएगी ये क्लिप्स। और वैसे ये सीखे हैं और भी हैं इसके पास, बट ये यूज़ नहीं कर पाएगी इस वजह से, तो इसलिए मैंने सडनली किया है। और ये क्यों नहीं यूज़ कर पाएगी क्लिप्स वगैरह, ये आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा, मतलब जो कल व्लॉग बनेगा आएगा उसमें ये पता चल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिए हैं इसके कुछ फोटोज, टमाटो के साथ मैंने बनाया है इसके लिए 6 बनाया था, और ये क्यूट क्यूट सी फ़ोटो ली इसकी। और ये देखिए ये सबसे मस्त लगा मुझे, और ये वाला उससे भी अच्छा लगा है। आपको कौन सा अच्छा लगा ये कमेंट में बताइएगा। ये मिलिए फ्रेंड्स प्रियसी से, कैसी तबीयत है आपकी, आराम है? ये ऐसे ही बोल रही है, इसको आराम बिल्कुल भी नहीं है। इसको थोड़ी देर पहले मतलब अब से 1 घंटा पहले भी 103 था फीवर, और मॉर्निंग तक देख रही हूँ इसको, मॉर्निंग तक आराम होता है तो ठीक है, वरना इसके ना टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, चेकअप होगा, ब्लड टेस्ट आई थिंक होगा। ये आ चुकी है माही। हेलो गाइस, पहले नंबर पूछा मेरे पापा का दे दिया। किसको बताओ पहले, ऐसे क्या बता रहे हो नंबर? सो फ्रेंड्स अभी मैंने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो अभी मैं देख के आई हूँ। क्या दे के आए हो? ड्राइंग। अच्छा तो क्या बोले वो? बोले कि अपना नंबर, क्लास, पूछा बस दो ही चीज। अच्छा, और पूछा कि कहाँ पे रहते हो? मैंने बोला अंशुल के घर के सामने। अच्छा तो फ्रेंड्स ये अपनी ड्राइंग सबमिट करा के आ गई है, और कल मिलेगा, कल गिफ्ट मिलेगा इसको। तो जो भी मिलेगा इसको गिफ्ट में आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इसको बुखार है परी को, और ये खाना नहीं खा रही है 2-3 दिन से ढंग से। तो अभी इसने मुझसे क्या बनवाया है, क्या खा रहे हो? तो बुखार में हलवा खाना होता है, क्यों बनवाया फिर आपने, आपको पता ही नहीं है? तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हम केक ना पुणे से लेके आई थी, ये मलाई केक है, ये बहुत टेस्टी है खाने में। और तो अभी ये मैं खाने वाली थी, और अभी टाइम हो गया है, रात के बजे है 9। ये लास्ट पीस है और इसे अब कोई नहीं खा रहा है, जिसे कोई भी मतलब घर में कोई भी नहीं खा रहा हो उस चीज़ को खाना पड़ता है हम लेडीज़ को, और यही हमारा फ़र्ज बन जाता है। वैसे तो इसको मैं खुद ही खाने वाली थी, बट अब जब मैंने सबसे पूछ लिया कोई नहीं खा रहा है, तो अब इसे खाना मेरा फ़र्ज बन चुका है, तो ये फ़र्ज मुझे अब निभाना पड़ेगा, तो मैं अभी इसे खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये केक इंजॉय करने से पहले मैं ये ब्लॉग करूँगी एंड, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।